ओए हेलो, क्या आप लोग को नेक्स्ट गोल्ड रॉयल देखना है? क्योंकि और 7 दिन के बाद हमारे गेम के अंदर से ये वाटल करल वाला बंडल चला जाएगा जो कि गोल्ड रॉयल के अंदर में, फिर इसके बाद हमें एक न्यू गोल्ड रॉयल बंडल देखने मिलेगा, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और यही नहीं, इसके अलावा अपना नेक्स्ट रिंग इवेंट जो कि अपना बोयर्ड लेजेंडरी बंडल आने वाला है, जिसका मैंने आप लोग को सिर्फ बैनर दिखा था, तो उसका वीडियो मिल चुका है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा बताऊंगा। और यही नहीं, इसके अलावा OV42 अपडेट के बाद ना गिल्ड के अंदर में भी अपडेट किया जाएगा, बहुत ही बड़ा अपडेट आएगा, क्योंकि OV42 अपडेट के बाद हमारे गिल्ड को पूरी तरीके से चेंज किया जाएगा और उसमें ना हम लोग को बैचेस भी देखने को मिलेगा और कुछ एनिमेशन वगैरह फ्री में मिलने वाला है, तो वो भी बताऊंगा। और इसके अलावा भी बैच फ्री में मिलेगा, तो इसका क्या सीन है, तो ये भी बताऊंगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आपने तो वीडियो लाइक नहीं तो लाइक कर देना और चैनल भी नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो जाना, ठीक है? तो पहले ना हम लोग बात करते हैं इवोल्यूशन बंडल के बारे में। जी हां दोस्तों, सबसे पहले आप उसका बैनर को देखो जो कि हिंदी बैनर मिल चुका है और ये ना 26 अक्टूबर के दिन आने वाला है और इसका वीडियो आप लोग यहाँ पर देखो। सो कुछ इस टाइप का इवेंट में हम लोग को देखने मिलेगा, मतलब क्या है अपना रिंग इवेंट के अंदर में देखने मिलेगा। ऑब्वियसली आप लोग को पता है कि रैम्पेज यूनाइटेड बंडल जो आया था तो वो भी हम लोग को रिंग इवेंट के अंदर में देखने मिला था, और ये जो अपना बोया लेजेंडरी बंडल आएगा तो ये भी हम लोग को रिंग इवेंट के अंदर में देखने मिलेगा, और इसके पीछे में अच्छा खासा डायमंड लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इवो बंडल के साथ में और भी कुछ बंडल है जो कि अपना बोया डे की बंडल है, तो ये सब भी हम लोग को देखने मिल जाएगा, ठीक है? और अभी ना हम लोग बात करते हैं गिल्ड के बारे में। जी दोस्तों, अभी हमारे गेम के अंदर में कुछ इस टाइप का गिल्ड है और जिसके अंदर हम लोग ग्लोरी देना पड़ता है, फिर उसके बाद हम लोग को कस्टम रूम कार्ड वगैरह वगैरह मिलता है। लेकिन अभी के गिल्ड में एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये कि कौन कितना डॉक्टेक देता है वो पता नहीं चलता है। तो OV42 अपडेट के बाद अपने गिल्ड को पूरी तरह से चेंज किया जाएगा, फिर उसके बाद हमें गिल्ड के अंदर से एक बैचेस मिलेगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर बैनर में देख सकते हो एक गिल्ड फ्लैग इमोट है, तो ये कौन सा इमोट है मैं आप लोग को रिव्यू करके दिखाऊंगा बताऊंगा। और इसके अलावा यहाँ पर एक एनिमेशन है, तो मैं आप लोग को बता दूं ये ना एनिमेशन हम लोग को फ्री में मिलने का बहुत ही सारा चांस है, और ये ना नॉर्मल एनिमेशन नहीं है, इसके अंदर में दो बंदे बैठ सकते हैं, ऐसे कुछ होने वाला है। तो इसके बारे में अभी ज्यादा कुछ तो पता नहीं चला है, बट OV42 अपडेट के बाद पता चल जाएगा, मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है? लेकिन इतना अभी कंफर्म पकड़ चल सकते हो कि हम लोग को एनिमेशन फ्री में मिल सकता है, ठीक है? और इसके अलावा यहाँ पर देखो एक ग्लोरी टाइटल है जो कि हम लोग को मिलेगा। अभी तो आप लोग को पता है कि बहुत सारे टाइटल है, जैसे कि इवोगन टाइटल और ओल्ड प्लेयर टाइटल, मतलब कि बहुत सारे टाइटल आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अभी ना हम लोग को गिल्ड टाइटल भी देखने मिल जाएगा, जो भी गिल्ड में ग्लोरी ज्यादा देगा उसको टाइटल मिलेगा, तो ये काफी अच्छी बात है। फ्री फायर को ऐसा करना चाहिए था जो कि किया है OV42 अपडेट के बाद, पता चल जाएगा, ठीक है? और इसके अलावा यहाँ पर कुछ वॉइस पैकेज है, तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है, वो बाद में बता दूंगा OV42 अपडेट के बाद, ठीक है? तो अभी ना मैं आप लोग को इमोट का रिव्यू करा देता हूँ, और इसके अलावा कुछ फ्री रिवॉर्ड्स का रिव्यू करा देता हूँ, और व्यूवर्स के बारे में आप लोग को बताऊंगा, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर इमोट को देखो जो कि अपने गिल्ड फ्लैग इमोट है, तो ये गिल्ड फ्लैग इमोट हम लोग को फ्री में मिलेगा, बट सभी बंदे को नहीं, जो भी अच्छा गिल्ड में खेलेगा या फिर गिल्ड का कुछ मिशन रहेगा उसको कम्प्लीट करने के बाद ये जो अपना गिल्ड फ्लैग इमोट है तो ये फ्री में मिलेगा। बट पहले ही बताया था, अभी बता रहा हूँ कि सभी बंदे को फ्री में नहीं मिलेगा, कुछ टॉप बंदे को ही मिलेगा, ठीक है? और इसके अलावा गाइस यहाँ पर देखो एक बैकपैक स्किन है जो कि ये भी हम लोग को फ्री में मिलेगा, बस गिल्ड का कुछ मिशन रहेगा उसको कम्प्लीट करने के बाद, ठीक है? तो ये देखा जाए तो बैकपैक भी काफी सही है, गोल्डन टाइप का है, तो ये हम लोग को फ्री में मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पर देखो एक लूट बॉक्स का स्किन है, तो ये भी काफी ज्यादा अच्छा है, तो ये भी हम लोग को गिल्ड इवेंट के नसीब मिलेगा, ठीक है? और इसके अलावा यहाँ पर देखो ये क्या है भाई, कुछ बैनर अवतार मिलेगा, और इसके अलावा बंडल भी मिलेगा फ्री में। जी दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो ये जो मेल का बंडल है ना, ये काफी पुराना बंडल है, ये अभी के टाइम में डिजाइन किया नहीं गया है, ये 2-3 साल पहले डिजाइन किया गया था, तो तब से पेंडिंग में है। तो फाइनली OV42 अपडेट के बाद ये बंडल हम लोग को फ्री में मिलने वाला है, ठीक है? और इसके अलावा इसका फीमेल बंडल को भी देख सकते हो, तो ये भी हम लोग को फ्री में मिलेगी कुछ गिल्ड का मिशन कम्प्लीट करने के बाद, ओके? और इसके अलावा अब मैं आप लोग को बता देता हूँ वीवेज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखो ये अपना वीवेज जो कि ग्लोबली प्लेयर को मिलेगा, मतलब क्या जितने भी फ्री फायर खेलते हैं, जितने भी कंट्री फ्री फायर खेलते हैं, तो वो सबके लिए है, और हर कंट्री में टॉप 5 प्लेयर को ही मिलेगा, सॉरी टॉप 5 नहीं, टॉप 15 प्लेयर को ही मिलेगा। और मैं आप लोग को बता दूं ये रियल वीवेज नहीं होगा, बस वीवेज की तरह होगा बट रियल नहीं होगा, इसमें कुछ चेंजिंग देखने मिलेगा जिसमें आप लोग को नकली और असली का पता चल जाएगा। बट अभी मैं आप लोग को वीवेज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, बिकॉज इसके बारे में अभी कुछ 100% कंफर्म पता नहीं चला है, तो फिर कभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर में इसके बारे में बात करेंगे, ओके? और इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट गोल्ड वॉल बंडल के बारे में। तो देखो अभी ना हमारे गोल्ड वॉल के अंदर में ये मेल का बंडल है, तो हम लोग को फीमेल का बंडल देखने मिलेगा नेक्स्ट गोल्ड वॉल के अंदर में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये है अपना फीमेल का बंडल, जो कि अभी के टाइम में जो अपना मेल बंडल है उसकी फीमेल वर्जन है, तो अभी के लिए आप लोग यही 95% कंफर्म पकड़ के चल सकते हो, अगर कोई चेंजिंग होता है तो मैं आप लोग बता दूंगा, नहीं तो यही अपना नेक्स्ट गोल्ड वॉल बंडल होने वाली है, ठीक है? क्योंकि अभी जो हमारे गेम के अंदर में गोल्ड वॉल
का बंडल है तो उसका जो फीमेल बंडल कहीं पे भी देखने को नहीं मिला है। और आप लोग को पता है कि गोल्ड वर्ल्ड के अंदर में जो भी बंडल आता है तो उसका मेल या फिर फीमेल वर्जन हम लोग को नेक्स्ट गोल्ड वर्ल्ड के अंदर में देखने को मिल जाता है। तो सेम ऐसे होने वाला है, ऐसे मेरे को अपडेट मिला है जो कि मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया। बाकी यार इसके अलावा और तो कुछ अपडेट नहीं है मेरे पास, जो भी है मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो के अंदर में बताऊंगा। बट हाँ, आपके मन में अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, मैं आप लोग को रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, नहीं तो वीडियो बना दूंगा। तो ठीक है यार, आप लोग कमेंट को बताना। बाकी यार आपने वीडियो लाइक नहीं है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, और एक बात, मैं ना खुल के बात नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मेरा ना वो नाक बंद हो गया है सर्दी की वजह से, तो मेरे को सर्दी जुकाम लग गया है तो इसलिए नाक बंद हो गया है, तो ठीक हो जाएगा, फिर उसके बाद खुल के बात करूंगा। फिलहाल यार मैं तो आप सुबह जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।